हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी लॉन्च की हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और वो आरोप ये लगाया है कि बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया है। मोदी ने हरियाणा के बेटे को जेल में डाल दिया है। सुनीता केजरीवाल ये कहती हैं कि हरियाणा में विकास के काम तेजी से होंगे। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000-1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और पांचवी गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है।